सबसे पहले तो जय श्री राम। विगत दो वर्षों से यह मूर्ति आकर के रखी हुई थी मंदिर में महावीर हनुमान जी की। कोविड के कारण माहौल काफ़ी खराब रहा दो साल देश का, और प्रशासनिक रुकावट भी रही जिसके कारण से यह मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई थी। इस बार भगवान और प्रभु श्री राम और महावीर हनुमान की कृपा से वातावरण कोविड से मुक्त हो चुका है, हमारा देश कोविड से मुक्त हो गया। उसके उपरांत हम लोगों ने समाज स्टेशन रोड के बाबा जगन्नाथ महावीर मंदिर स्थान के सदस्यों ने तथा हमारे पूरे समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस बार बाबा का मूर्ति जो है वो स्थापित कर दिया जाए, जिसके लिए हमारे पूरे मोहल्ले के लोगों ने सहयोग दिया, सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। जिसने जैसा कि अभी आपने देखा कि कलश यात्रा में हमारे हर एक परिवार के हर घर से हर एक तबके के हर मतलब वर्ग के लोग इस कलश भरी जल यात्रा में जो है शामिल हुए, बच्चियां काफ़ी मात्रा में ऊर्जा के साथ शामिल हुई और आज से यह कार्यक्रम शुरू हो गया। अभी मूर्ति की पुराने मूर्ति की विस्थापन कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के उपरांत नव मूर्ति का प्रतिमा का जो है वह स्थापना कार्यक्रम होगा। उसके राम नवमी का जो ध्वज पूजन होता होने के उपरांत फिर सजाम का कार्यक्रम चलेगा।
और हम लोग प्रशासन के नियमों के अनुसार जो कि शांति समिति की बैठक में जो हमारे माननीय डीएम साहब और जिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जो निर्देश मिला, उस निर्देश के अंतर्गत हमने जिला नगर थाना प्रभारी से के सहयोग से सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को किया है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरे कार्यक्रम को सफल करने के लिए हम सारे समाज के लोग प्रतिबद्ध। बहुत दिन से किया गया आयोजन इसके बारे में पल पल सोचते थे, उसका परिणाम चाहिए। रामनवमी पर्व को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम जनता यही संदेश है, शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन के दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपने पर्व को धूमधाम से मनाएं। जो स्थिति पैदा हुए समाज के बीच में या देश के बीच में, बहुत काफ़ी परेशानी हुई, बहुत कष्ट हुआ पब्लिकों को, और कोरोना काल खत्म होने के बाद ये 2 साल के बाद ये पहला मौका मिला रामनवमी पर्व के लिए, जिसमें कि रामनवमी पर्व को मनाया जा रहा है, रमजान को भी मनाया जा रहा है, चैती दुर्गा भी हो रहे हैं, चैती नवरात्रा भी हो रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है? जिला प्रशासन भी इस बार बहुत तत्पर है और मुस्तैदी से हर जगह अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से अच्छी हम लोगों को सुविधा और हर तरह का मदद और सहयोग मिल रहा है। हिंदू और मुस्लिम का पर्व एक ही साथ मनाया जा रहा है, इस तरह का सौहार्द में बहुत ही सौहार्द वातावरण है। न किन्हीं हिंदू के मन में कोई दुष्भावना है, न मुसलमानों के पर्व में किसी भी तरह कठिनाई आ रही है। हम सभी समाज एक दूसरे से मिलकर और बहुत उत्साह और उमंग से अपने पर्व को दोनों तरफ से हम लोग आनंद पूर्वक मना रहे हैं और काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ है। समय से पहले गर्मी का प्रचंड रूप ले लिया है, इस पर्व में किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है? कठिनाई तो हो रही है, बहुत पहले से ही गर्मी पड़ने लगी है, बालिका लोग हैं, बच्ची लोग हैं, सबों को थोड़ी परेशानी बनी हुई है, ताप भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है। फिर भी उमंग और उल्लास, 2 साल के बाद जो मौका मिला है, वो गर्मी के ताप को भी हम लोग इस तरह से बर्दाश्त करके और खुशी का माहौल बनाए हुए हैं जो गर्मी का हम लोग अनुभव प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लगता है जो कि हम लोग बहुत खुशी और उमंगता से अपने को इसमें तैयार किए हुए हैं और गर्मी के माहौल को हम लोग पीछे छोड़े हुए हैं। रामनवमी पर्व को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? रामनवमी पर्व लेके हर जनता के लिए यही सौहार्दपूर्ण वातावरण बता रहे हैं, जो कि हर आदमी एक दूसरे से मिले, गले मिले, सौहार्द वातावरण बनाए रखें, न किसी से कोई झंझट करे और अपना जो पर्व है इसको मनावे और शांति व्यवस्था कायम रखें, जिससे कि किसी को किसी भी तरह की दूरी न बने और न किसी भी तरह का नुकसान। कुछ समय समाज से भी जो है कोरोना काल के बाद एक अहम प्रशासन बैठक पब्लिक के बीच में होना था, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बैठक तो किया गया था और जिला प्रशासन भी इसमें अपना सहयोग दिए थे और बोले थे जो कि शांतिपूर्ण से व्यवस्था को कायम रखा जाएगा, कहीं भी किसी भी तरह का उपद्रव नहीं होगा और पूर्ण रूपेण आप लोगों को, आप पब्लिक हम लोगों को सपोर्ट करें, प्रशासन हम लोगों को सपोर्ट करेगी, यही उन लोगों से आश्वासन मिला था और अच्छे ढंग से व्यावहारिकता निभा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष कुमार, चित्रौड़ स्टेशन रोड, बेगूसराय।